क्या राकेश मिश्रा में एटीट्यूड आ गया है, क्या राकेश घमंडी हो गए हैं, और क्या राकेश मिश्रा का सिर्फ एक गाना ही रितेश पांडे का करियर तबाह करने के लिए काफ़ी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या राकेश मिश्रा सिर्फ एक गाने की वजह से घमंडी बन गए हैं। जी हाँ, अगर आप तनी जाई ना बहरिया की हीरोइन से पूछे तो यही होगा। जी हाँ, त्रिशाकर मधु की बात करें तो उनका यही कहना है कि एक गाना हिट किया हुआ राकेश मिश्रा तो सातवें आसमान पर चढ़ गए। जी हाँ, राकेश मिश्रा भोजपुरी इंडस्ट्री के वो सिंगर कम एक्टर हैं जिनका हाल ही में एक गाना बहुत ही ज़बरदस्त हिट हुआ है। उस गाने को आजकल अमूमन हर भोजपुरी स्टार प्रमोट कर रहा है। जैसे आम्रपाली और निरहुआ ने पिछले दिनों इसे प्रमोट किया और बदले में स्पेशल की स्पेलिंग भी न लिख पाने वाले राकेश मिश्रा ने इन्हें थैंक यू किया। वैसे आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। खैर, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ी बातें होती नहीं हैं, लेकिन हो जाती हैं। कभी चप्पलों पर भी विवाद हो जाता है। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं और हम ये बताते हैं कैसे रितेश पांडे का कैरियर खा सकते हैं राकेश मिश्रा। जी हाँ, राकेश मिश्रा का एक गाना जो बहुत ही हिट हुआ है और दूसरा गाना जो अभी अभी रिलीज़ हुआ है उसे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन रितेश पांडे का एक गाना हाल ही में रिलीज़ हुआ है उस गाने को रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। जी हाँ, इन दोनों की अगर फिल्मों की बात करें तो इन दोनों की फिल्में नहीं चलती, लेकिन गाने बहुत चलते हैं और सभी ये कह रहे हैं कि आवाज़ के मामले में ये दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं। रितेश पांडे का कोई सानी नहीं है, लेकिन राकेश मिश्रा अब एक कैरियर के नए दौर पर चल रहे हैं और जब इंसान सफलता के घोड़ों पर चढ़ता है तो उसके चलने में एक अलग ही उत्साह रहता है, एक अलग ही बात रहती है, एक अलग ही रवानगी रहती है। तो इस बाबत देखा जाए तो जिस तरह से इस वक्त मार्केट में राकेश मिश्रा का बोलबाला है उसे देखते हुए ये लग रहा है कि रितेश पांडे थोड़े फीके पड़ सकते हैं उनके सामने। लेकिन ये बात आगे दूर तक कहीं भी नहीं जा सकती है। कौन सा गाना किसे कब कहाँ ले जाकर पहुँचा दे आप ये कह नहीं सकते। जिस तरह से खेसारी का सैया अरब गिनना गाना हिट हुआ और खेसारी खेसारी लाल यादव हो गए, उस लिहाज से अगर आप बात करें तो किसी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, कंपटीशन है तो बातें तो होंगे ही, और इस वक्त सबसे तगड़ा कंपटीशन अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहा है पांडे वर्सेस मिश्रा के बीच चल रहा है। और अब वो खबर जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले थे। जी हाँ, हम कैसे आपको बता रहे हैं कि राकेश मिश्रा को घमंड हो गया है, एक गाना क्या सुपरहिट हो गया, उनके अंदर घमंड आ गया है। इस बात की पुष्टि ऐसे होती है कि जब आपका कोई एक नया गाना चलता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ये रिवाज है कि जोड़ी को तोड़ा नहीं जाता, यानी जिस हीरोइन के साथ आपका गाना हिट हुआ है उसे ही आप दोबारा दोहराते हैं, तहराते हैं और कई बार उसे रिपीट करते हैं। तो उसी बाबत अब देखा जाए तो इस जो गाने की हीरोइन थी मधु, उन्हें रिपीट नहीं किया गया है। राकेश मिश्रा ने उन्हें अपने नेक्स्ट गाने में रिपीट नहीं किया गया और इसकी बहुत बड़ी वजह बताई गई है, मधु ने अपने पैसे की डिमांड ज़्यादा कर दी, जो कि राकेश मिश्रा को बहुत बुरा लगा और राकेश मिश्रा ने उन्हें इस गाने से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और उसके बाद इस गाने की हीरोइन लाइव आती है, रो रो के अपना हाल बयां करती हैं। इस न्यूज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।